पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अखाड़े में वर्चस्व की जंग जारी है। इस मामले में संत एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में अखाड़ों में अपने वर्चस्व को लेकर संत ही आमने सामने खड़े हो गए हैं। कनखल के श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में संतों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखाड़े की संपत्ति को खुर्दबुर्द कर और अपनी निजी संपत्ति अर्जित करने के मामले में अखाड़े द्वारा महंत रघुमुनि, महंत दामोदर दास, महंत दर्शन दास, महंत अग्रदास को अखाड़े से निष्कासित किया गया था। उदासीन संगत फुलवारी शरीफ पटना विहार के महंत दयानंद मुनि ने श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से निष्कासित महंतों के पक्ष में कहा कि अखाड़े की कई संपत्तियों को बेचा गया है, इसकी CBI जांच होना चाहिए। अखाड़े में महंत बनाने और हटाने की जो परंपरा है वो पंच परमेश्वर का विषय नहीं है, संप्रदाय के अपने अपने गुरु परंपरा के महंतों का विषय है। कि महंत बनाने या हटाने की जो परंपरा है वो पंच परमेश्वर का विषय नहीं है, वो भेद का विषय है, संप्रदाय के अपने अपने गुरु परंपरा गुरु प्रणाली के महंतों का विषय है। CBI जांच, ED जांच, जो भी भारत सरकार की केंद्रीय जांच एजेंसी है उनसे जांच कराया जाए, क्योंकि लोकल लोगों को तो ये लोभा करके, लालच दे करके और उनसे उल्टा सीधा रिपोर्ट बनवाते हैं। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुखिया महंत दुर्गादास का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद की बैठक में एक महात्मा हरिद्वार आए थे, मगर उन्होंने अराजक तत्वों के भड़कावे में आकर अखाड़े के विरुद्ध दुष्प्रचार किया। पुलिस प्रशासन उनसे पूछताछ करे, क्योंकि ये अखाड़े का साधु नहीं है। जिस जगह का वह महंत अपने आप को बता रहा है वो भी प्रमाणित नहीं है, उनको अखाड़े की परंपरा का ज्ञान नहीं है। इनका कहना है कि जिन अराजक तत्वों द्वारा इनको भड़काकर बयानबाजी करवाई जा रही है, इस मामले में अखाड़े का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री DGP से वार्ता करेगा, क्योंकि हमें संभावना लग रही है कि इन व्यक्तियों द्वारा अखाड़े का माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। अखाड़े के महंत को जान माल का खतरा बना हुआ है। हम मुख्यमंत्री और DGP से मांग करते हैं अखाड़ों के महंत को सुरक्षा प्रदान की जाए। ये महात्मा है जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आया था, और लेकिन एक किसके बहकावे में आकर के इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा है, ये तो उसको है जो पुलिस है जो उससे पूछताछ करे कि यहाँ किसके बहकावे में कर रहा है। वो अखाड़े का साधु है ही नहीं, वो जहाँ का महंत बना बता रहा है वहाँ का भी कोई प्रमाणित है जो हमें नहीं जानकारी, वो अखाड़े का ही नहीं। जो अखाड़े का नहीं है उसको अखाड़े की परंपरा मर्यादा का क्या गया, और जो कोई बहका करके इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा है उसके विषय में जल्द ही अखाड़े के प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी, DGP, SP, सभी प्रशासन यहाँ से दिल्ली तक है जो इससे मुलाकात होगी और उनसे उनको अवगत कराया जाएगा, ताकि है जी इस तरह की विसंगतियाँ जो फैलाने का कोशिश करें, इसमें कौन लोग शामिल है, कौन लोग करवा रहे हैं, इनका पर्दाफाश होगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।